देखिए क्वेश्चन 14, साइड ए बी ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी, तो ये स्क्वायर आपको दिया हुआ है इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो साइड ए बी, ये जो आपकी साइड है ए बी, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, फाइंड द स्लोप ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, बात समझ आए? तो ये मेरा स्क्वायर, इसकी स्लोप, ये लास्ट लास्ट लेक्चर में डिटेल में बात हुई है, एक बार मैं सिर्फ आपको शीट दिखा के मेमोरी आपकी रिफ्रेश कर देता हूँ। जो स्लोप्स हैं, जो स्लोप्स हैं, देखिए ये हमारी शीट थी जिसमें हम डिटेल में बात कर रहे थे, ताकि आपको लास्ट लेक्चर भी साथ में लिंक होता रहे। ये देखिए, ये तो ये मेरी जो लाइन है, ये जो मेरी लाइन है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस की जो स्लोप है, क्योंकि थीटा ज़ीरो होता है, तो जो स्लोप है एक्स एक्सिस का वो ज़ीरो होता है, कोई डाउट तो नहीं। ये जो लाइन है, जो वाई एक्सिस है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ उसका 90 डिग्री होता है, तो उसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, और जो स्लोप होता है वो टैन ऑफ 90 होगा, और टैन ऑफ 90 नॉट डिफाइंड होता है, तो इसका जो स्लोप है, वाई एक्सिस का जो स्लोप है वो नॉट डिफाइंड है। नहीं समझ में आया मैडम? मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, प्लीज़ समझिए, ये एमसीक्यू में एक नंबर का क्वेश्चन भी बनता है। एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है बेटा? ज़ीरो। वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है? नॉट डिफाइंड। एक और दो क्वेश्चन ये बनता है, दो क्वेश्चन और बन सकता है, एनी लाइन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा? वो ज़ीरो होगा। एनी लाइन विच इज़ पैरेलल टू द वाई एक्सिस उसका स्लोप क्या होगा? नॉट डिफाइंड। दो क्वेश्चन ये बनता है, और दो क्वेश्चन और बनते हैं, एनी लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूँ, मैं पैरेलल नहीं कह रहा, मैं परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ, परपेंडिकुलर आपसे बोला जाएगा तो उसका जो स्लोप है वो नॉट डिफाइंड होगा। एनी लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस उसका जो स्लोप है वो क्या होगा? ज़ीरो। छः क्वेश्चन बनते हैं, अब छः में से कोई एक आएगा, या वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोलेगा, या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस बोलेगा, या जैसा भी बोलेगा, ये छः क्वेश्चन तो बन ही गए। नहीं समझ में आया मैडम? अच्छा, तो यहाँ तक अगर ज्ञान आपको समझ गया, तो ये क्वेश्चन में तो आपसे वो यही जो फंडा है, यही आपसे सुनना चाहता है विद द हेल्प ऑफ अ फिगर, कि उसने स्क्वायर दिया आपको और उसने बोला कि सर ये बताइए, आप समझदार हैं, इसकी इसका स्लोप ज़ीरो होगा, इसका स्लोप ज़ीरो होगा, इसका स्लोप नॉट डिफाइंड होगा, और इसका जो स्लोप है वो नॉट डिफाइंड होगा। जसमीन जी, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है ना, ओके। अब देखिए, हर चीज़ फॉर्मूले से तो निकलती नहीं यार, थोड़ा तो भगवान ने आपको दिमाग भी दिया है। अब ये स्क्वायर है, आप 10th क्लास में हैं यार, बोर्ड का पेपर देने वाले हैं, ऑब्वियस है, आपको पता होना चाहिए कि इसका जो डायगनल है, ये वाला जो डायगनल है, वो डायगनल ऐसा है। और लास्ट टाइम हम चीख चीख के एक डिस्कशन कर रहे थे, काफ़ी बार हमारा डिस्कस हुआ था, कि ये लाइन का जो स्लोप होगा, जो इसका इंक्लिनेशन होगा, दैट इज ऑलवेज टेकन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बेटा नहीं समझ में आया? लास्ट टाइम डिटेल में बात हुई है, तो नाउ इट इज बट ऑब्वियस कि ये 45 डिग्री होगा। बेटा नहीं समझ में आ रहा? अब मुद्दे की जो बात आती है, स्लोप क्या होगा? तो स्लोप टैन 45 होगा, और टैन 45 जसमीन जी कितना होता है? दूसरा डायगनल ये है, दूसरा डायगनल ये है। अब देखिए यार, मैं तो 50 बार लास्ट टाइम ही बताया था, 5 बार अब भी बता दिया, इसका भी जब स्लोप लोगे वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ होगा। नहीं समझ में आया? और फिर से थोड़ा सा दिमाग तो चाहिए यार, ये 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, तो बेसिकली ये जो पूरा एंगल है ये 135 डिग्री है। जसमीन जी नहीं समझ में आया? बबा जी डाउट है, और ये आपको, ये भी आपको बताया गया था कि एक वैल्यू लिख लीजिए टैन की, कि टैन 145 डिग्री। शाबाश शाबाश जसमीन जी, क्या होता है?
माइनस वन. तो टैन ऑफ 145 डिग्री आपको बताया गया था, आई थिंक यहीं कहीं हमने कहीं डिस्कस किया था. आई एम सॉरी, हाँ मैं ये देख रहा हूँ कि हमने लास्ट टाइम लिखा था नहीं लिखा था. तो टैन ऑफ 135 डिग्री आपको बताया गया था कि जो टैन ऑफ 135 डिग्री होता है दैट इज़ माइनस वन. मैडम को डाउट? मैं देख रहा हूँ कि लास्ट टाइम हमने कहीं लिखा था नहीं लिखा था. खैर जो भी है, बट इसी क्वेश्चन को आप थोड़ा सा और सुंदर बनाना चाहते हैं. यू आर लाइक इन अ फैंटास्टिक मूड कि सर क्या बोलता है गूगल, आई एम फीलिंग लकी. अभी देखिए मिस्टर शिवांग आपको मैजिक दिखाएंगे. बेटा सीबी एक बात बताओ, ये जो एंगल है ये एंगल है 15 डिग्री, तो डायगोनल का स्लोप क्या होगा? ये स्क्वायर है, स्क्वायर डायगोनल का स्लोप कितना होगा मेरे बेटा?